हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है मोहिनी लाइफस्टाइल। सॉरी, मेरे नहीं, हमारे चैनल पे, क्योंकि आपको पता है ना, ये हम लोगों का चैनल है, हम सबका चैनल है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने थंबनेल देख के पता चल गया होगा, मेरा बेस्ट लाइनर काजल और मस्कारा। मैं क्या यूज करती हूँ, अपने ऊपर क्या यूज करती हूँ, मुझे कौन सी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं उसका रिव्यू आपको दूंगी। तो मेरा बेस्ट काजल मेरे लिए है, और दो काजल मेरे बेस्ट हैं, दो काजल मुझे बहुत पसंद हैं। एक ये है प्लम का काजल है, एक ये प्लम का है, और एक ये काजल है मेबलिन न्यूयॉर्क क्लॉसिक काजल। आई थिंक इस काजल को सब लोग जानते होंगे और सब लोग इसे पसंद करते होंगे, कुछ लोग यूज भी करते होंगे। बट अगर कोई नहीं यूज करता है तो उसके लिए मैं बता दूं कि ये काजल बहुत अच्छा है, और प्राइस वाइज अगर आप जाएंगे तो ये थोड़ा सा अफोर्डेबल काजल है, ये थोड़ा सा आपको हाई रेंज में मिलेगा। ये इसका प्राइस जो है वो 550 या इस समथिंग है, इसमें लिखा नहीं है, सॉरी, मैंने इसका पैकेट भी मैंने फाड़ दिया, फेंक दिया। तो ये मेरा सेकंड काजल है, इससे पहले मैं एक यूज कर चुकी हूँ, तो ये सेकंड है, मैंने रिसेंटली मंगाया अभी इसको। तो ये 500 से थोड़ा ऊपर ही है शायद, और ये मुझे पर अमेजोन पे या किसी भी अदर ऑनलाइन शॉप पे आपको ये कम में मिलेगा, स्टैंप पे डिस्काउंट में मेरे को शायद ये मिला है 350 या इसी में समथिंग मिला है। और ये जो है ये अफोर्डेबल रेंज में अगर आप जाएंगे तो इसी का टक्कर का थोड़ा बहुत 19-20 होगा, इसी के टक्कर का भी ये काजल है, और ये आपको मिल जाएगा 170 का मार्केट में है, पर अगर आप अमेजोन वगैरह से लेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छी रेंज में मिल जाएगा। वेट दोनों का सेम ही है, ये 0.35 ग्राम्स है, और ये जो है ये है 1.2 ग्राम्स, तो यानी कि ये ज़्यादा है, 1.2 ग्राम्स है। तो वेट दोनों का लगभग सेम ही है, पर दोनों काजल बहुत ही बेस्ट हैं और लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ है, जैसे कि इसमें लिखा है ये लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ है और बेस्ट हैं। और अगर आप ये यूज़ करते हैं ना तो आपको शायद लाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने खुद लाइनर इसी काजल से लगाया है, इससे ही मैंने लाइनर लगाया है, तो आपको अगर आप ये ले लेते हैं तो लाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग बिगनर हैं, जिन लोगों को लाइनर नहीं लगाना आता है, तो लिक्विड लाइनर से कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो सकती है लिक्विड लाइनर लगाने में, फिर उसको थोड़ी देर सुखाने में, नहीं तो कोई आंख खोल देगा और छपाक से ऊपर चिपक गया। किस किस के साथ ऐसा होता है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लिक्विड लाइनर लगाए और वो सूखा नहीं, आंख खोल दी और ऊपर चिपक गया। तो ये चीज इनके साथ नहीं होने वाला, अगर आप ये लाइनर यूज करते हैं तो इसके साथ आपको सुखाने की और ये सब की नई झंझट होने वाली है। और लाइनर मैंने अभी भी इसी से लगाया है, आप देख सकते हैं मेरी आईज पे, इसी से मैंने अभी ये लाइनर लगाया है, और ये वाले से, क्लॉसे से मैंने ये लाइनर लगाया है। अगर आप मेकअप लुक मेरे साथ देखना चाहते हैं, मैं किस तरह से मेकअप लुक करती हूँ, और नॉर्मली या पार्टी मेकअप, जैसा भी मेकअप आप चाहते हैं, मैं, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर आपके लिए करूँगी। सेकेंड चीज़ है कलर इसका, ये देखिए एकदम डार्क जेड ब्लैक है, दो में ही आपको काफ़ी अच्छा कलर इसका आ जाएगा। और ये वाला जो है इसका भी मैं दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों ही जेट ब्लैक हैं, दोनों ही स्मच प्रूफ हैं, आपको जो अच्छा लगता है दोनों में से ले सकते हैं। अफोर्डेबल रेंज में आपको क्लॉसे मिलेगा और थोड़ा सा हाईएस्ट रेंज में आपको ये मिलेगा, पर दोनों ही काजल बेस्ट हैं। अगर आप क्लॉसे भी लेंगे तो अच्छा है, ये भी लेंगे तो अच्छा है। नेक्स्ट मैं आपको कलर लाइनर जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं ये पेंसिल काजल ही यूज़ करती हूँ। मैं लाइनर, लिक्विड लाइनर मैं थोड़ा सा कम प्रिफर करती हूँ, क्योंकि लिक्विड लाइनर फिर सुखाने में और ये सब में तो मुझे उतना पर्सनली मुझे नहीं अच्छे लगते लिक्विड लाइनर। और अगर कोई मुझे कभी कुछ अच्छा लाइनर मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि अगर मुझे कोई लिक्विड लाइनर में कोई अच्छा मिला तो। ये कलर काजल है, एक मेरे पास ब्लू है, तो ब्लू मेरे पास लैक्मे आइकॉनिक का है, बहुत ही अच्छा काजल है, और ब्लू जब लगा लेते हैं ना तो आपको लगता है कुछ अलग ही ग्लो और ये लगता है, ब्लू से मतलब एकदम हाईलाइट हो जाता है। और
ब्लू का मैं आपको स्वच्छ सॉच मैं मिस्टेक कर लेती हूँ कभी कभी, इग्नोर करना, मेरे थोड़ा हो जाता है, जबान लड़खड़ा जाती है। तो काफ़ी पिगमेंटेड है ये, काफ़ी पिगमेंटेड है, मैं थोड़ा कस के दबा दिया, काफ़ी पिगमेंटेड है। आप एक दो स्वच में ही अच्छा कलर आ जाएगा। और ये दूसरा जो है सॉफ्ट काजल आईलाइनर, ये है ब्लू हेवन का, ब्लू हेवन का है। रेंज मेरे को इसका याद नहीं, आई थिंक 175 ऐसे ही आइकॉनिक का रेंज था, और इसका शायद 120 था, 120 ब्लू हेवन का था। ये ग्रीन कलर का है, ये भी काफ़ी आपको पिगमेंटेड काफ़ी है, कलर इसका काफ़ी अच्छा कलर है, ग्रीन कलर है, काफ़ी अच्छा ग्रीन कलर है इसका। तो कलर लाइनर में मैं ये यूज़ करती हूँ, दोनों ही बेस्ट हैं, काफ़ी अच्छे हैं, क्वांटिटी भी दोनों की सेम ही होगी, क्योंकि ज़्यादातर लाइनर काजल की क्वांटिटी एक ही होती है। अभी इसमें मेरे को 0.35 ग्राम ये भी है, और 0.31 ग्राम ये भी है, लगभग मतलब एक ही जैसा है। तो और जो बेस्ट मस्कारा वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास दो मस्कारा हैं, एक ब्लैक में है और एक ब्लू में है, एक मस्कारा ब्लू में है। तो ब्लैक जो मस्कारा है वो मैं यूज करती हूँ मेबलिन का हाइपर वॉल्यूम मस्कारा, ये मस्कारा मुझे बहुत पसंद है, हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा है, हाइपर कर्ल ये मस्कारा मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अगर आप कोई भी मेकअप नहीं करना चाहते हैं, आपको नॉर्मली मतलब होता है ना नो मेकअप मेकअप लुक, वो अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं, फेस को नॉर्मली जो आप क्रीम वगैरह लगाते हैं वो लगाइए, और सिंपल मस्कारा लगा लीजिए, जो बेस्ट लुक आएगा ना आपकी आईज का, और जो सुंदर आपकी आईज लगेंगी ना सिर्फ मस्कारा से। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है और बहुत ही अच्छा मस्कारा ये है। तो मस्कारा का स्वैच तो मैं आपको दे नहीं सकती, ट्राई करा के तो दे नहीं सकती, आप अगर आप चाहते हैं तो इसको लेके और खुद ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा मस्कारा है। और नेक्स्ट जो मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ, इसका प्राइस मैं आपको पहले बता दूँ ना, इसका प्राइस है मार्केट में इसका प्राइस 350 कुछ है, पर ऑनलाइन आपको कम में मिल जाएगा, ये भी मैंने भी अमेजोन से मंगाया था, ऑनलाइन आपको कम में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी करंटली, मुझे कुछ ऐसा अच्छी ब्रांड में मेरे को ब्लू मस्कारा मिल नहीं रहा था, मैंने काफ़ी ढूंढा, बट ये भी मस्कारा अप कर्ल है ब्रांड का नाम है, सॉरी अगर ये ब्रांड होगा भी तो मैंने नहीं पहले सुना है कभी ब्रांड ये अप कर्ल। तो ये मस्कारा है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ कम से कम अभी 15-20 दिन से, एक महीना से, पर काफ़ी अच्छा मस्कारा है ये, काफ़ी अच्छा मस्कारा है, इसका बॉन्ड भी जो है काफ़ी अच्छा है, आप देखेंगे ब्लू कलर का मस्कारा है, अगर आपने ब्लू कलर का मस्कारा लगाया ना तो लोग पहचान नहीं पाते कि अपने आँख में कुछ तो डिफरेंट है, पर आपने किया क्या है। तो अगर ऐसा वाला कॉम्प्लीमेंट या आप चाहते हैं कि आपसे कोई पूछे कि यार आपने लगाया क्या है आँखों में, तो इस मस्कारा को आप यूज़ करिए। इसकी बस एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है, वो इसकी स्मेल, इसकी स्मेल सच बताऊँ आपको, इसकी स्मेल कैसी लगती है मुझे, इसकी स्मेल लगती है मुझे गोबर जैसी, मेरी बेटी अपनी है, इसकी स्मेल मुझे गोबर जैसी लगती है, तनिक बस। बाकी ये बहुत अच्छा मस्कारा है, वाटरप्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट मस्कारा है, और काफ़ी अच्छा लगता है, कर्ल भी अच्छे आते हैं आपकी पल की, कर्ल भी अच्छी होती हैं, कलर भी काफ़ी अच्छा आता है, तो मस्कारा काफ़ी अच्छा है। और ये वाला जो मस्कारा है, इसका भी बॉन्ड मैं आपको दिखा दूँ, इसका जो है ऐसे थोड़ा सा यू शेप में है, तो आपको करने में ना काफ़ी आसानी रहती है, मैं कहीं मेकअप ख़राब ना कर दूँ अभी देख के। तो ये था मेरा काजल लाइनर मस्कारा का रिव्यू जो मैं यूज़ करती हूँ, ये मेरा कलेक्शन बोल सकते हैं आप, मैं ये सब मैं यूज़ करती हूँ और मुझे ये सब बहुत पसंद है। अभी तक तो मुझे नई चीज़ ट्राई करने का अभी तो नहीं हुआ कि मैं इनके अलावा कोई और चीज़ ट्राई करूँ, पर हाँ कभी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और अगर किसी प्रोडक्ट का आप प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपके लिए ज़रूर रिव्यू करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखिए, मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।